गुल गई गुलशन गई गुलफान के बाड़ी आ गई, गुल गई गुलशन गई गुलफान के बाड़ी आ गई, एक बार नजर उठा के देख लो भाई, अब जनसुराज की बाड़ी आ गई। जनसुराज के मतलब होता है जनता की सुंदर राज। कैसे लोग घर घर जाकर जनसुराज के बारे में बता रहे हैं। हम पुपरी से आए हैं, प्रशांत किशोर की तरफ से आए हैं हम लोग, उनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में। हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता है, जरूर उनके अंदर कोई शक्ति होता है। तो पूरे बिहार का जो यात्रा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आज बिहार के अंदर गरीबी है, बिहार के अंदर अशिक्षा है, बिहार के लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, बिहार के लोगों को रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, हमारे बिहार में क्यों नहीं इसकी व्यवस्था है। तो हम लोग जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ना हमें यहाँ रोजगार मिलेगा, ना हमारे शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, ना हमारी कोई सुविधा प्राप्त हो पाएगी। तो हम लोगों को एक बात याद रखना है, वोट देने से पहले न जात पर, न पात पर, न मुर्गा भात पर वोट करना है, पीके के बात पर, पीके बोले तो प्रशांत किशोर के बात पर। प्रशांत किशोर यानी के जन स्वराज, जन स्वराज का मतलब जनता का सुंदर राज। चाची है हमारी, इनको वृद्धा पेंशन, दादी वृद्धा पेंशन मिलता होगा 400 रुपया। 400 रुपया में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरे राज्य में, दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट में, सब में किसी में 2000, किसी में 2500, किसी में 3000 मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी, ये हमारे प्रशांत किशोर जी, जन चोरा जनता का सुंदर राज जब हमारे यहाँ आएगा बिहार में, तो हम 400 रुपया से 2000 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे। यह हमारा पूरा वादा है और पूरा आप लोगों को विश्वास होना चाहिए, और आप लोग विश्वास करिए, क्योंकि पद यात्रा जो पैदल यात्रा है कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता, जिसके अंदर शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है, वही पैदल यात्रा करता है। तो ये हमारे लिए मसीहा है, ये आने वाले समय के बिहार के लिए विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हमें लाना चाहिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। हमेशा लालू नीतीश नहीं, लालू नीतीश से हट करके एक विकल्प आया है, इसको आगे हम लोग बढ़ाएं, तब ये स्वच्छ बिहार का निर्माण होगा। हमें जाति पाति में नहीं बटना है, हमारा कोई जात नहीं, ना आप यादव है, ना भूमियार है, ना आप राजपूत है, ना आप पासवान है, ना आप मंडल है, हमारा जात सिर्फ और सिर्फ बिहारी है। तो जिस दिन हम लोग बिहारी हो जाएंगे, उस दिन हमारे बिहार का, स्वच्छ बिहार का निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत हमारी बातों को सुनने के लिए।